हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। दोस्तों, आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते होंगे और कभी ना कभी आपने जो इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स क्रिएट किया होगा। हाइलाइट क्या होता है? आपकी प्रोफाइल के नीचे कुछ हाइलाइट आ जाती है, मतलब आपने अगर कभी कोई अच्छी सी फोटो अपलोड की है या फिर कोई स्टोरी अपलोड की है तो आप उसका कलेक्शन बनाकर हाइलाइट्स में डाल सकते हो। उससे होता क्या है कि आपकी प्रोफाइल देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और काफ़ी ज़्यादा उस पर मतलब लोगों का इंटरेक्शन बढ़ता है और रीच मिलती है। और दोस्तों, आप जो अपनी हाइलाइट्स डालते हो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि अच्छी चीज़ों को ही आप हाईलाइट करते हो और आप सोचते हो कि इनसे जो है ज़्यादा रीच मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अभी तक क्या था कि आप इन हाइलाइट्स का यूज नहीं कर सकते थे, केवल आप जो है एक बार उनको हाईलाइट में डाल दिए तो बस वैसे ही हाईलाइट में रहती थी। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर आप इनसे जो है अपनी एक रील्स भी क्रिएट कर सकते हो। अब आपकी जितनी भी अच्छी अच्छी हाईलाइट हैं, जो भी आपने हाईलाइट का जो फोल्डर बना के रखा है, उन सारी जो है आप हाईलाइट्स को यूज करके एक अच्छी सी रील क्रिएट कर सकते हो और वो भी आप अपने म्यूजिक के साथ उसको सिंक भी कर सकते हो। मतलब इंस्टाग्राम का जो भी म्यूजिक आप लगाओगे उसके बीट के हिसाब से वो आपकी जो है रील में कन्वर्ट होगी, मतलब उसके हिसाब से सिंक होती चली जाएगी। कैसे करना है वो सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हो, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे आपसे ही प्रॉब्लम जो भी होती है इंस्टाग्राम से रिलेटेड वो सब यहाँ पे अपलोड होती है। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी तीन हाईलाइट बनी हुई एटीट्यूड, फनी इंजीनियर और जयपुर ट्रिप के नाम से। अब मैं एटीट्यूड में दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है मेरी कुछ मतलब रील पड़ी हुई है, सॉरी रील क्या स्टोरी पड़ी हुई है, जो कि मैंने क्रिएट किया था और काफ़ी अच्छे 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 इसमें पड़ी हुई है। ये इस तरह के ये आप देख सकते हो, ठीक है, सारी मैं दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप जो है इसको रील में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट का, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा लोडिंग होगा इस तरीके से। और लोडिंग होने के बाद ये आ जाएगा सिंक क्लिप टू ऑडियो। देखा, मतलब ऑडियो के साथ आपकी जितनी भी वहाँ पे हाईलाइट में वीडियोज पड़ी हुई थी वो सारी की सारी ऑडियो के हिसाब से सिंक हो जाएंगी। मैं आप लोगों को म्यूजिक के साथ सिंक करके दिखा देता लेकिन कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे ऑडियो को म्यूट करके रखूँगा, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे कोई सा भी आप ऑडियो ले सकते हो। यहाँ पे पहले से ही कुछ सजेशन में दिखा रहा है, जैसे ये आवारा हूँ वाला आप ले सकते हो, इसके हिसाब से सिंक होगी। जैसे कि दिखा देते हैं, देखिए, ठीक है, इस तरीके से, मतलब अपने हिसाब से ऑडियो के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। जैसे लाइक के बॉस ले लेता हूँ तो इसमें देखना कितनी जल्दी से वो बदल जाएगी मेरी जो पहली क्लिप थी, देखना इस तरीके से। दोस्तों, आप यहां पे सिंक करा सकते हो, आपकी जितनी भी हाइलाइट्स में वीडियोस पड़ी होंगी वो सारी की सारी यहां पे कन्वर्ट हो जाएंगी रील के रूप में। ये देखो, सारी की सारी यहां पे कन्वर्ट हो जाएंगी। आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए और नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए, ये यहां पे मेरा बन चुका है, ये देखिए, है ना। तो सारी के सारी यहाँ पे आपकी जो है हाइलाइट्स आ चुकी हैं। अब आप उनको रील में कन्वर्ट कर लिए हो, आपको यहाँ पे बस नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्शन वगैरह डाल देना है और उसके बाद शेयर कर देना है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप अपनी सारी हाइलाइट्स को जो है मतलब रील में कन्वर्ट कर सकते हो और ढेर सारी लाइक ले सकते हो, क्योंकि हाइलाइट्स में आप वही चीज़ें रखते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। अगर अब आप उनकी रील कन्वर्ट करोगे तो भाई जाहिर सी बात है आपको लाइक मिलने ही वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस तरीके से अपनी हाईलाइट्स की रील क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वाला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने इससे सीखा होगा कैसे आप हाईलाइट से रील क्रिएट कर सकते हो। सो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, साथ ही साथ कमेंट करके आप अपनी राय भी दे सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।